بسم الله الرحمن الرحيم واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى فيه ولكن إن تضمنه معنى في ليس مضطردا لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد فهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد هذا تقرير كلام المصنف رحمه الله وفيه نظر لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه لأن المفعول به غير متضمن معنى في فذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى في والله تعالى أعلم واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام اور احتراز کیا ہے اپنی قول بالترادن سے دخلت البيت میں گھر میں داخل ہوا وسكنت الدار میں نے گھر میں سکونت اختیار کی وذهبت الشام میں ملک شام گیا ان تینوں مثالوں جیسی مثالوں سے ان جیسی مثالوں سے مفعول فیہ کا بیان شروع کیا ہے المفعول فیہ وهو المسمى ظرفا کا عنوان لگا کر مفعول فیہ کا دوسرا نام ظرف ہے اور اس ظرف کی دو قسمیں ہیں ظرف زمان ظرف مکان اس میں بتایا تھا کہ ظرف زمان یا ظرف مکان وہ مفعول فی ہے جو عام طور پہ فی کے معنی کو شامل ہوتا ہے اس میں عام طور پر کی قید لگائی تھی بالترادن عام طور پہ فی کے معنی کو شامل ہوتا ہے لہذا جو عام طور پہ نہیں کبھی کبھی فی کے معنی کو شامل ہو وہ مفعول فی نہیں بنے گا وہ ظرف نہیں بنے گا چنانچہ مثال دیا دخلت البیت میں گھر میں داخل ہوا میں گھر میں داخل ہوا گھر مکان ہے اور گھر میں داخل ہوا یہاں بھی میں آ رہا ہے تو فی کے معنی کو یہ متضمن ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ فی کے معنی کو جو متضمن ہے بیتن یہ کبھی کبھی ہے دخلتوں کے ساتھ آ گیا اس لیے ہے ورنہ پھر بنیت الدار میں نے گھر کو تعمیر کیا اشتریت الدار اشتریت البیت میں نے گھر کو خریدا نظرت الی الدار میں نے گھر کو دیکھا تو ان سب مثالوں میں فی کا معنی ہے نہیں بلکہ کثیر یہی ہے فی کا معنی اس میں ہوتا نہیں ہے تو فی کا معنی کبھی کبھی آئے تو مفعول فی نہیں بنے گا بلکہ باضطراد بالعموم ہو تو ایک مثال دخلت البیت کی دیا ہے دوسری مثال سکنت الدار کی دیا ہے الدار
ये क्या है? ज़र्फ़े मकान, घर। लेकिन ज़र्फ़े मकान है यहाँ पर, ये फ़ी के माना को शामिल है, आम तौर पे शामिल नहीं होता है। सकन तो दारा, मैं घर में ठहरा। हाज़िही दार, ये घर है। इश्तरैतु दारा, मैंने घर को ख़रीदा। मैंने घर को ख़रीदा। बिअतु दारा, मैंने घर बेचा। मररतु बिद्दारी, घर के पास से गुज़रा। तो इन सब जगहों पे फ़ी के माना को अद्दार शामिल नहीं है। तो पता ये चल रहा कि कसीरुल इस्तेमाल फ़ी के बग़ैर है, और कलीलुल इस्तेमाल है ला बितरादिन फ़ी के साथ। जैसे यहाँ पे सकनतु दारा, मैंने घर में सुकूनत इख्तियार की, मैं घर में ठहरा, घर में रहा। तो अब यहाँ पे फ़ी के माना को तो शामिल है, लेकिन क़ैद जो लगाया था ज़ुम्मिना माना फ़ी बितरादिन, फ़ी के माना को शामिल हो मफ़ूल फ़ी तब बनेगा, जब बितरादिन बिलूम हो, बिशुज़ूज़ ना हो। तो यहाँ पे शाज तौर पे है, यानी कम तौर पे है। शाज भी कहना बहुत ज़्यादा कम रहता है, ये दूसरी मिसालों में कसीर है, ये अपने तौर पे ये मिसाल कसीर है। तो सकन तो दारा, तो ये मिसाल भी इस जैसी मिसालें फ़ी को शामिल हैं, लेकिन ला बितरादिन बिलूम नहीं, कभी कभी यानी सकन तो के साथ आए तो। ऐसे ज़हब तो शाम, मैं मुल्क शाम में गया, मुल्क शाम में गया। तो मुल्क शाम पूरा मुल्क मकाम है, कंट्री है। तो अब जो है यहाँ पे फ़ी आ रहा है, ज़ुम्मिना माना फ़ी, फ़ी के माना को ये शामिल है, लेकिन इतना होना काफ़ी नहीं है, बल्कि फ़ी के माना को कसरत से शामिल हो। तो ये कसरत से नहीं, ज़हबतों के साथ इस्तेमाल हुआ है तो शामिल है, और हर जगह शामिल नहीं होगा। मुल्क शाम एक मुल्क है, मुल्क शाम में अंबिया की खबरें ज़्यादा हैं, और मुल्क शाम की अलग फजीलतें हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जाए मदफन है, तो बहुत सारी फजीलतें हैं, बेशुमार फजीलतें हैं मुल्क शाम की। तो वहाँ पे मुल्क शाम कहीं मफ़ूल भी बन रहा, कहीं फ़ाइल बन रहा, कहीं जो है जार मजबूर बन रहा है, लेकिन ज़र्फ़ यहाँ पे बन रहा है, मुल्क शाम में दाखिल हुआ। तो ये जो ज़र्फ़ बन रहा है, तो इसको ज़र्फ़ और मफ़ूल फ़ी नहीं कहेंगे हकीकत में, बल्कि मफ़ूल भी ही कहेंगे, क्योंकि ये फ़ी के माना को शामिल है ला बितरादिन बिलूम नहीं, ला बिलूम, ला ज़ैद फिद्दहर। मंतिक में पढ़ा है ना, मंतिक नहीं पढ़ा है, ला रजुला मादूलतुल मौजू मादूलतुल महमूल, उसमें ला दाखिल कर दे तो मादूला बन जाता है, मादूलतुल मौजू, मुक्तदा पे ला दाखिल कर दे, खबर पे ला दाखिल कर दे तो मादूलतुल महमूल। ज़ैदुन ला हयवानुन, ज़ैदुन ला जमलुन, तो ये मादूलतुल महमूल है। और वही सब रहता है, सिर्फ माना बदल जाता है, मुब्तदा खबर ही पर, मुब्तदा ही खबर को मंतिक में मौजू और महमूल कहते हैं, और नह में मुब्तदा खबर कहते हैं। तो ये तीन मिसालें दे करके समझाया है। फ़इन्ना कुल्ल वाहिद मिन अल बैती वद्दारी वश्शामी, तो बेशक हर एक बैत और दार और शाम में से, बैत दार और शाम में से हर एक मुतज़म्मिनुन माना फ़ी, फ़ी के माना को शामिल है। तो इतनी बात तो पाई गई, ज़ुम्मिना माना फ़ी, फ़ी के माना को शामिल है। लेकिन ला तक़रबुस्सलात, इतना ला तक़रबुस्सलात हुआ, नमाज के करीब ना हो, कोई कहे नमाज के करीब ना हो, क़ुरान से साबित है, हवाला दे रहा है, पारा नंबर, आयत नंबर, सफ़ा नंबर साबित है, बिल्कुल सही कह रहा है, ला तक़रबुस साबित है। लेकिन डंडी मार रहा है आगे, मौलाना मौदूदी की तरह कर रहा है, अंतुम सुकारा नहीं जिक्र कर रहा है,
मौलाना मौदूदी साहब ने खिलाफत मुलुकियत किताब लिखी है, तो उसमें सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी की है। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान को मुलुकियत के दरख्त का बीज कहा है, बानी कहा है, वहीं से मुलुकियत का बीज पड़ गया, तो तौहीन किया है और हवाला दिया। लिखा गया है हमने सब बातें बा हवाला कही हैं और बड़ी बड़ी किताबों का हवाला दिया, जिसका जी चाहे देख ले। आपने खुद भी नहीं देखा या देखा तो डंडी मार दिया। सब जगह हवाला दिया, ऐसी बड़ी बड़ी किताब बिदाया व निहाया सबका दिया, बड़ी बड़ी इबारत नकल कर दिया अरबी की और उसका तर्जमा कर दिया शानदार। आदमी देखता है हवाला, लेकिन ला तकरबु सलात की तरह आगे जो है जो उनके मतलब की बात नहीं थी उसको छोड़ दिया है। तो जिन लोगों ने उनका पीछा किया तो उनको यही बताया कि ला तकरबु सलात की तरह है, वरना आदमी आमतौर पर देख करके क्या समझेगा, हाँ यार तो कुदरत वाला है, बड़ी बड़ी किताब का हवाला, यही तो अहले सुन्नत वल जमात भी हवाला देती हैं इन्हीं किताबों का, मौलाना मौदूदी साहब दे देते हैं तो इन लोगों को नज़र नहीं आता, मौलाना मौदूदी साहब को नज़र नहीं आता, लाता कर उस सलाता के बाद अंत उस कारण नज़र नहीं आता। तो मुफ्ती तकी उस्मानी ने उनकी किताब को देख करके उनका पीछा किया और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में भी गुस्ताखी किया हज़रत उस्मानी गनी, तो उन्होंने किताब लिखी और खिलाफत मुलुकियत का जवाब दिया, पूरे हवाले सब नकल करके और उसके बाद आगे जो उन्होंने छोड़ा है वो नकल किया कि देखो ये छोड़ दिया है। तो हर आदमी के हवाले पे नज़र नहीं रहेगी, इन्होंने हवाला दिया लेकिन आगे की जो इबारत थी उसको छोड़ दिया। तो हवाला तो बेशक सही दिया है, जो हवाला कोई भी लाएगा फटाफट देखिए हाँ बिल्कुल सही, सफ़ा नंबर ये वो सब सही, जैसे ये पारा नंबर लाता लाता आयत नंबर जुज नंबर सब जो है बिल्कुल सही है। तो हवाला तो बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी खोलेगा तो बच्चे स्कूल कॉलेज के इसीलिए मुतासर हैं, मान लिया किताब निकाल लिए कुतुब खाने से और ले जा कर के खोलने लगे, बिल्कुल सही सही तो हवाला है, लेकिन अरबी एक सतर नहीं आती, जहाँ बजाई दिन पढ़ेंगे तो उनको जो है इतना नहीं मालूम, लेकिन अरबी देख रहे हाँ बिल्कुल सही मिला लिया, एतमाद बैठ गया। अब आप लाख तकरीर करो मौलाना मौदूदी के खिलाफ, वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ नहीं तकरीर की जाती, उनकी इस हरकत के ख़िलाफ़ तकरीर की जाती है जो ला तकरबु सलाता पढ़ते हैं वह अंतुम सुकारा नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इतना ही काफ़ी नहीं है, जुम मेरा माना फ़ी फ़ी के माना को शामिल हो, बल्कि आगे है बिल्तिरादिन बिलूम शामिल हो। और ये सब क्या हैं, वलकिन तज़म्मुनहु माना फ़ी लैस मुत्तरिदन, लेकिन इसका यानी कुल वाहिदिन की तरफ मर्जा लौटाया है जो मुफ़रद है, तो तज़म्मुनहु, वरना ये तीन होकर के जमा हो जाता तो तज़म्मुनहा या तज़म्मुनहुम कहना पड़ता, गैर ज़बील उक़ूल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है तो तज़म्मुनहा कहना पड़ता, और अगर सबको जमा के माना में ले लेते ज़बील उक़ूल गैर ज़बील उक़ूल न देखते तो तज़म्मुनहुम कहना पड़ता, लेकिन कुल वाहिदिन की तरफ नज़र करके मर्जा उसी की तरफ लौटाया है। वलकिन तज़म्मुनहु माना फ़ी लैस मुत्तरिदन, लेकिन फ़ी के माना का शामिल होना इनमें से हर एक का मुत्तरिद नहीं है, आम नहीं है। लिअन्न अस्मा अल-मकानी अल-मुख्तसता ला यजूज़ हज़्फ़ु फ़ी मअहा, इसलिए कि अस्माए मकान जो मुख्तस होते हैं, अस्माए मकान मकान मुख्तस है, इतना घेर करके चार दीवारी बना के इसको बैत कहते हैं, और जो है यहाँ से यहाँ तक वो जो है हदूद अरबा मुकर्रर करके इसको ज़िला कहते हैं, और फिर और लंबा हदूद अरबा मुतय्यन करके उसको स्टेट और सूबा कहते हैं, रियासत कहते हैं। तो ये क्या है, मकानी मुख्तस हो गया ये, और मकान गैर मुख्तस, बाजू में बैठो, सामने बैठो, पीछे बैठो, आगे बैठो, ये सब आगे तो बहुत दूर तक है, घेर करके बनाया नहीं गया है, दाहिने तो बहुत दूर तक है, दाहिने तो बैठा हूँ बहुत दूर बैठा हुआ है, सबक सुन रहा गया आपने कहा तो दाहिने बैठो, दाहिने बैठ गया। तो ये मकान गैर मुख्तस है, तो मकान गैर मुख्तस को ज़र्फ़ ज़मान और मफ़ूल फ़ीह में मोतबर माना गया है, लेकिन अस्मा अल मकानी अल मुख्तसता, इसलिए कि अस्माए मकान मुख्तसा ला यजूज़ हज़्फ़ु फ़ी मअहा,
जायज नहीं है फी का हजफ करना उनके साथ, जायज नहीं है फी का हजफ करना उनके साथ। फलैसल बैतु वद्दार वश्शाम फिल मुथल मंसूबतन अला ज़र्फियत, मकान मुख्तसा में अगर फी को लाने की जरूरत पड़ती है तो फी लाया ही जाएगा, लेकिन मकान गैर मुख्तसा यानी जो ज़ुरूफ हैं वहाँ पे फी लाइए न लाइए फी के माना को क्या रहता है, शामिल ही रहता है क्योंकि वो ज़र्फ है। फी लाएंगे तो मजरूर हो जाएगा और फी नहीं लाएंगे तो मफूल फी रहेगा, वो ऐसा है। यहाँ पे फी लाएंगे तो जार मजरूर रहेगा, फी नहीं लाएंगे तो मफूल भी बन जाएगा। यहाँ पे अलबैता मफूल भी है, यहाँ अदारा मफूल भी है, यहाँ अदाबतुश्शामा मफूल भी है। यहाँ पर फिल मुसली इन सब मिसालों में मंसूबतन अला ज़र्फियति, तो बैत दार और शाम मज़कूरा मिसालों में मंसूब नहीं है ज़र्फियत की वजह से। वइन्नमा हिय मंसूबतन अला तशबीह बिल मफ़ऊल बिही, बस ये मंसूब हैं मफ़ऊल बिही से तशबीह देते हुए, यानी मफ़ऊल बिही मानकर जैसे जमा मुलहक बिल जमा, तस्निया मुलहक बिल तस्निया, तो ये सब क्या है मफ़ऊल बिही के मुशाबे यानी मफ़ऊल बिही कह सकते हैं। वइन्नमा हिय मंसूबतन, बस ये मंसूब हैं मफ़ऊल बिही से मुशाबहत की बुनियाद पर। लिअन्ना ज़र्फ़ हुवा मुतज़म्मना माना फ़ी बितरा दिन, इसलिए कि ज़र्फ़ वो है जो शामिल होता है फ़ी के माना को मित्रा दिन। यहाँ पे इतना आप अरबी इबारत रख सकते हैं कि ज़र्फ़ की तारीफ क्या है, और ज़र्फ़ हुवा लदी तज़म्मना माना फ़ी बितरा दिन, यह ज़र्फ़ की तारीफ हो गई अरबी में। वहादी मुतज़म्मनतुन माना फ़ी ला बितरा दिन, और ये यानी कुल वाहिद मिन हादिही, और ये मुतज़म्मिन तो हैं फ़ी के माना को ला बितराद, लेकिन इतराद के साथ नहीं, उमूम के साथ नहीं। हादा तकरीर कलामिल मुसन्निफ़, ये तो बयान हुआ तकरीर हुई मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की। वफ़ी ही नज़रुन, लेकिन इसमें एतराज़ है। لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به، इसलिए कि अगर बना दिया गया, जब बना दिया गया इन तीनों को ونحوها और इन तीनों जैसी मिसालों को منصوب على التشبيه بالمفعول به مفعول به से मुशाबहत की बुनियाद पर لم تكن متضمنة معنى في, तो ये फ़ी के माना को मुतज़म्मिन नहीं होंगे। अरे जब आपने उसको मफ़ूल भी और मुलहक़ बिल मफ़ूल भी मान लिया तो फ़ी के माना को क्यों शामिल मानते हैं, फ़ी के माना को शामिल है तो वो जो फ़ी के माना को मुस्तकिल शामिल रहता है उसके मुशाबे थोड़ी देर के लिए आ गया, तो ला अश्का जली से हूँ, थोड़ी देर के लिए आके जमा तो बैठ गया तो भी जमा थी, तो ऐसे ही ये जो है थोड़ी देर के लिए फ़ी कबूल करता है तो फ़ी मुस्तकिल कबूल करने वालों के साथ मिलाइए ना, मफ़ूल फ़ी और मुशब्बा बिल मफ़ूल फ़ी, तशबीह बिल मफ़ूल फ़ी उसके साथ जोड़िए, तो एतराज़ कर रहे हैं। इधर जो इलत, जब बनाया गया इन तीनों को और इन जैसे मिसालों को मंसूब मफ़ूल बिही के साथ मुशाबहत की बुनियाद पर, लम तकुन मुतज़म्मिनतन माना फ़ी, तो फ़ी के माना को शामिल नहीं होंगे। क्यों? लिअन्नल मफ़ूल बिही गैर मुतज़म्मिनिन माना फ़ी, इसलिए कि मफ़ूल बिही फ़ी के माना को मुतज़म्मिन नहीं होता है, उसके साथ मुशाबे करार दे रहे तो फ़ी के माना को शामिल होता नहीं, कैसे मुशाबे होगा। ये जो मफ़ूल फ़ी और ज़रूफ़ मफ़ूल फ़ी के माना को हमेशा शामिल रहते हैं, ये थोड़ी देर के लिए शामिल हुआ तो इसके मुशाबे हुआ ना, एतराज़ बिल्कुल बजा है, फिर उसका जवाब भी भेजा नहीं होगा। फ़ज़ाली के माशुब भी, तो इसी तरह वो भी होगा जो उसके मुशाबे करार दिया जाए, मफ़ूल भी फ़ी के माना को शामिल नहीं होता, तो इसको भी फ़ी के माना को शामिल नहीं होना चाहिए। फ़ला यहताज इला कौलिही बितरादिन, लिहाजा उनके कौल बितरादिन की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके कौल बितरादिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लियुख्रिजहा, कि ये इसको निकाले, इसको भी रहने दो मफ़ूल फ़ी। फ़इन्नहा खरजत बिकौलिही मा ज़ुम्मिना माना फ़ी, इसलिए कि ये खुद ही निकल गया मा ज़ुम्मिना माना फ़ी के कौल के ज़रिए, यानी ये कहना चाह रहे हैं
मा जुम्मिना माना फी में आपने कहा है जो फी के माना को शामिल हो, और ये सब भी फी के माना को शामिल होते हैं। तो फिर बितरादिन कह के निकाला है, तो कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि आप निकालना आपको है ना, तो पहले ये कह दीजिए फी के माना को शामिल ही नहीं होता, फी के माना को, क्योंकि मफूल के मुसाबे आप करार दे रहे हैं और मफूल भी फी के माना को शामिल होता नहीं, ये भी नहीं शामिल होता, तो फिर पहले ही निकल गया ये, पहले ही निकल गया। क्यों? मफूल भी के मुसाबे है तो मफूल भी फी के माना को शामिल होता नहीं, ये भी शामिल होता नहीं, लिहाजा ज़र्फ नहीं बने गए। तो इस तरीके से जवाब दिया है कि ये इत्तरादिन के कौल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही निकल जाएगा। फ़ैन्ना खरजत बिकौली ही, क्योंकि सकंत दारा वगैरह मिसालें ये माजुम मीना मानाफी के कौल ही से निकल गई, क्योंकि वो मिसालें फी के माना को शामिल होती हैं और ये तीनों मिसालें फी के माना को शामिल ही नहीं हैं। वल्लाहु तआला आलम, और अल्लाह ही ताला बेहतर जानते हैं। बस।